मैं सर पटियाले तो हाँ जी, मैनू अप्रोक्सीमेटली 3 महीने हो गए सर को आए सी, मैम को आए सी। मैनू मल्टीपल कॉम्प्लीकेशन सगियाँ, मेडिकल कॉम्प्लीकेशन सगियाँ, जिन ब्रेन स्ट्रोक मेन सगा जो 2 साल पहले मैनू आया सी। उस तो इलावा ब्लड शुगर की भी प्रॉब्लम चल रही सी, डायबिटिक सगा मैं, तो प्लस बीपी वगैरह भी बहुत हाई रहा सगा, वेट भी बहुत ज़्यादा सगा। ये सारिया प्रॉब्लम्स मैं फेस कर रहा सगा शुरू तो। हूँ पिछले जे मैं मैम नू श्रेया मैम नू डाइटिशन श्रेया मैम नू फॉलो कर रहा सगा यूट्यूब पर, बट मैं विजिट नहीं कर पाया उन्हां इन्हां दे जिहड़े वीडियोज़ आउंदे सी यूट्यूब वगैरह ते जां फेसबुक ते, उन्हां मैं फॉलो करदा सीगा। बट जून दे विच मैं डिसाइड किया भी मैम को विजिट करा। मैम को विजिट करन तो बाद हुण 3 महीनों दे विच मेरी जिहड़ी प्रॉब्लम सीगियां ऑलमोस्ट सारियां ही सॉर्ट आउट हो चुकियां ने, जिहदे विच बीपी दी टैबलेट जिहड़ी मेरी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, डायबिटीज़ दी भी अप्रोक्सीमेटली, मतलब स्टार्टिंग दे विच ही जिद्दन तो डाइट लेनी शुरू की है उदन तो ही मेरी डायबिटिक्स जिहड़ी टैब लैंदा सी मैं वह भी बंद हो गई है, तो हुण वेट भी ऑलमोस्ट 12 kg दे करीब मैं मतलब लूज़ कर चुका हूँ। ये सारा क्रेडिट जिहड़ा मैम नू श्रेया मैम नू ही जाता है, बाकी वाइफ मेरे दसणगे इस बारे बाकी डिटेल जो है। जदों इन्हां ने सोचा सी कि लाइक आई स्टार्ट विद द डाइट्स, तो आई वाज लिटिल बिट रिलक्टेंट कि नहीं बनानी बहुत मुश्किल हो जाएंगी, मैं किस तरह लाइक डबल डबल डाइट्स किस तरह करूँगी। बट व्हेन मैम सेंट अस द वीडियोस एंड लाइक द लिस्ट ऑफ द डाइट्स, व्हेन आई गॉट इट लाइक इट वाज रियली वेरी इजी टू कुक, बहुत इजी है, कोई रेसिपीज वगैरह कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लस थोड़े किचन दे विच एड अप हुंदा है, लाइक बच्चों नू अच्छा खाने नू मिलता है, लाइक ही इज़ ईटिंग वेरी गुड फूड। पहले असी कुछ भी खाते सी, जो मिल गया सब कुछ खा लिया, बट हुण है कि पर्टिकुलर वही चीज़ खा रहे हैं और फैमिली विच सब लोग उस चीज़ नू फॉलो कर रहे हैं। एक बार सोचने नू लगता है कि डाइटिंग करना शायद सिर्फ सैलड खाना या सिर्फ फ्रूट्स खाना ही है, बट नहीं, प्रॉपर वेजिटेबल हर चीज़, लाइक हर चीज़ उन्होंने प्रॉपर मिलती है, क्योंकि मैम प्लान ही इस तरह का पूरा बनाया हुआ होता कि लाइक इट्स क्वाइट ईजी एंड कुकिंग वे बहुत बहुत ईजी है। तुसी 5 to 10 मिनट्स के बीच इन्हों हर कुकिंग हो जाती है, तो कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। एक दो मेरे कलीग्स ने शी वॉज ऑलरेडी फॉलोइंग मैम, उन्होंने तो डाइट्स लै रहे थे, उन्होंने ही सानू रेफरेंस दी है गुरजोत मैम ने पटियाला तो कि यू शुड गो देयर, क्योंकि उन्होंने खुद उन्होंने अपने मल्टीपल उन्होंने प्रॉब्लम सगिया जड़िया और रिजॉल्व हुई ने, एंड शी हैज़ लॉस्ट अलॉट। एंड मोर ओवर जो पर्सनलाइज ग्रुप है जिहड़ा, उहदे विच मैम खुद ने प्लस उन्होंने डॉक्टर बाकी टीम भी है, एंड 24/7 मैम इज़ देयर। असी कुछ भी कभी भी पूछना होंदा, कोई रेसिपी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई सप्लीमेंट चाहिए है, मतलब कि ये चीज़ नहीं बना सके हुण असी की करिए, नाल दी नाल सानू रिस्पोंस आ जाता है। एंड मोर ओवर आई वुड सजेस्ट कि तुहानू कोई भी प्रॉब्लम है, अगर स्पेशली डायबिटीज़ है, दैन कोई भी होर मेडिकल प्रॉब्लम है, यू शुड फॉलो मैम, रियली यू शुड फॉलो मैम, बिकॉज मेडिसिन इज़ नॉट द सोल्यूशन। वो सिर्फ एक टाइम के लिए थोड़ा रोक रहा है, बट वो थोड़ा रिवर्स नहीं कर सकती, मेडिसिन थोड़ी डायबिटीज़ को रिवर्स नहीं करेगी और लाइफ लोंग थोड़े नाल रहेगी। बट जो डाइट्स हैं, जो मैम डाइट्स दे रहे हैं या जो थोड़े लिए प्लान बनता है, वो थोड़ी डायबिटीज़ नू रियली रिवर्स कर देगी। सो यू शुड फॉलो द डाइट्स रेदर दैन द मेडिसिन।